मेरे इस वीडियो पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको नए नए कंटेंट्स अवेलेबल करवा सकें और आपको इसी तरह से मोटिवेशन आपको देते रहना, ये मेरा मकसद है। सो लेट्स गो। तो चलिए हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं टाटा स्टील प्लांट की तरफ और यह जो हमारा लोकेशन है ये हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, मतलब कुछ ही दूरी पर है। तो हम इस प्लांट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने जा रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्लांट का एक छोटा सा कॉलोनी है और इसी जगह पर लोग जितने भी एम्प्लॉय वगैरह हैं लोग यहाँ पे रहते हैं और अपने काम को बखूबी तरीके से पूरा करते हैं। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग टाटा स्टील को विज़िट करते हैं। जेआरडी टाटा वही इस कंपनी को चला रहे हैं और अभी फ़िलहाल ये जो कंपनी है काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। यहाँ के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। यहाँ पे काम करने वाले हर एक जो एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी को गवर्नमेंट से भी, मतलब एक तरह से कहा जाए तो उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है और साथ ही साथ यहाँ का जो भी जो मैन्युफैक्चर है या जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे बहुत ही व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे बनी हुई मिलेंगी। यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ही सिस्टमेटिक वे में है। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट बना हुआ है इसके थ्रू यहाँ पे जो भी मिनरल्स निकलते हैं उन सभी को यहाँ से वो ट्रांसपोर्ट करने के हेल्प ली जाती है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको अच्छे से विज़िट कर रहे हैं इस एरिया को। ये जो पूरा एरिया है तकरीबन 50 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है और इसी तरीके से इसके अंदर में जो भी सुख सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे बनाई गई हैं ताकि लोग यहाँ पे अच्छे से अपना काम अच्छे से कर सकें और उनकी लाइफ के साथ में किसी तरह की भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं की गई है। यहाँ पे हर एक फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप देख सकते हो अभी हम यहाँ पे जेएन पार्क पहुँच चुके हैं। इस पार्क में आप देख सकते हो ये टाटा का खुद का अपना पार्क है जहाँ पे लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर जा कर के थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं, पार्क में थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना यहाँ पे पास क्लियरेंस करने के बाद यहाँ से हम निकल जाते हैं और ये हम अभी पार्किंग पर अपनी गाड़ी को खड़ी करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ों को आप इजीली यहाँ पे समझ सकते हो कितनी टाटा ने कितने अच्छे से काम किया है अपने पार्क को बनाने में। और ये रहा पार्क, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो पूरा टॉप व्यू है, ये एक हिल स्टेशन पे बना हुआ है ऊपर में। यहाँ पे ये पार्क की जो भी ब्यूटीज़ हैं वो यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रही हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं एक सिनेमैटिक शॉट यहाँ पे ले रहे हैं ताकि ये हमारे कैमरे में अच्छे से ये जो मोमेंट है वो कैप्चर हो जाए। हम इस जगह से खड़े होकर के चारों तरफ का एरिया को हम यहाँ से देख सकते हैं। आप देख सकते हो ये पार्क के अराउंड में जो भी एरिया आपको देखने को मिल रहा है साइड का एरिया वो पूरा उधर माइंस का काम चलता है और ये जस्ट पहाड़ की चोटी पर ये हमारा पार्क बना हुआ है जहाँ पे लोग यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि टाटा की तरफ से कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज होते हैं उसकी लोकेशन भी यहाँ पे दी जाती है, जिससे कि यहाँ पे हमारा स्टेज बना हुआ है। और ये पार्क में हमारा जो फूल वगैरह है वो लगा हुआ है थोड़ा सा टहलने के लिए, जॉगिंग के लिए, मतलब ये जो नज़ारा है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है यहाँ से देखने पर। यहाँ पे लोग काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और इसका जो टाइमिंग है ये लगभग 5 बजे यह गेट बंद हो जाता है। The chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun.
as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.